बल्कि पूरे शेखावाटी का आपने जो मान बढ़ाया और जो वकीलों का मान बढ़ाया और पूरे जन समुदाय को जो आपने तोहफा दिया वो अपने आप में बेमिसाल है। इसके लिए आपके दो दिन की विधानसभा संवाद के साथ क्या सब चीजें आ जाएगी। जिंदाबाद आज तो हमारे जिले में अजय भाई आप लोग आए तो बड़े भाई अजय भाई और आने की मांग आगे पूरी करो और बाकी बनवाए सगड़ा जनाब सबको जनता आशीर्वाद दियो यूनानिमसली सबने मिल गया और मैं था से आज तुझे कार्यक्रम करो एक बैठा मैं था से मिला सबको था वो जनता। राजस्थान की जनता ने जिसमें सीकर जिला भी था आशीर्वाद देकर के कांग्रेस की सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने थे। यहाँ से आठ के आठ जो जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में हैं वो कांग्रेस सरकार के साथ में खड़े हैं, कांग्रेस के सिंबल पे हैं। साथ तो एक महादेव सिंह जी भी हमेशा से कांग्रेस से लड़ते हैं और वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। तो ऐसे में सीकर जिले के लोगों की अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ गई कि हमारा संभाग चाहिए और ये पॉपुलर डिमांड थी। मैं समझता हूँ नीम का थाना को जिला बनाना और सीकर को संभाग बनाना ये वास्तव में जो मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है, जो मुख्यमंत्री जी की जनता के प्रति जो वो अपने आप को जवाबदेह भी मानते हैं कि जनता जो चाहती है वो हमको करना चाहिए, उस दिशा में एक मील का पत्थर उन्होंने लगाया है आज। और अभी भी मैं समझता हूं कि और काम करने की सीकर ज़िले में आवश्यकता है। जो हमारी पांच छह तहसीलों में जो पानी की समस्या है उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में और बीजेपी में वैश्विक फ़र्क है। बीजेपी हमेशा केवल सत्ता के लिए काम करती है, सत्ता के लिए जो सत्ता कैसे हासिल हो उसी पे देखती है, जनता से उनको कोई या जनता की डिमांड से उनको सरोकार नहीं रहता। और कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि जनता क्या चाहती है, कौन सत्ता में रहे कब रहे ये जनता को तय करना है, लेकिन उनको हमेशा जनता के। आप देखिए एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि जब यूपीए सरकार थी तो RTI राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा, ये सब चीज़ें जो जनता को फायदा दे सकती हैं वो काम किए। और जब NDA की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो नोटबंदी, तीन किसानों के काले कानून और बेतरतीब GST, तो आप फर्क देख लीजिए। वो केवल और केवल सत्ता के लिए काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की जो आशा और अपेक्षाएं होती हैं उनके अनुरूप काम करती है। तो ये काम वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने एक नए राजस्थान बनाने की जो शुरुआत की है उसके लिए जनता भी आभारी है और हम सब भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और इससे और ज़्यादा हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी कि हमें जनता को साथ लेकर के उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनके लिए विकास के लिए काम करना है।